नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भूटानी क्रिएटर यूनाइटेड 2024 मुंबई में बॉलीवुड एक्टर कृति सानो के साथ मंच पर डांस करने का मौका मिला और बहुत सारे सेलिब्रिटी जैसे हर्ष बेनीवाल, राउंड टू हेल, जन्नत जुबेर, मनीष पाल, रोहित झुनझुन के, कार्ती आर्यन, बॉलीवुड स्टार एंकर मनीष पाल, एलविस यादव और आदि यूट्यूब एंड बॉलीवुड क्रिएटर थे। वे सम्मान समारोह में आगरा 22/2 मोतिया की बिगीची के ही निवासी परवेज खान यूट्यूब किंग ऑफ द आगरा परवेज क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किए गए। इसलिए आगरा का मान बढ़ाने के लिए इस उपलब्ध में 21/3/2024 समय शाम 4 बजे स्थान मानपूर्ति देवी मंदिर प्रांगण मोतिया की बगीची वाटर वर्क्स आगरा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है। एकता सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था और बे एकता डांस एकेडमी द्वारा इस बच्चों के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बहुत ही खुशी हुई और एकता जैन जी ने बच्चे और उसकी माता जी चंद तारा को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे विशाल सिंह, शाहरुख खान, मोनेश, अनूप चौहान, रवि चौहान, एसके, माइकल, सुरेश चंद्रशेखर, रमेश बाबू, आगरा की जनता का बहुत सपोर्ट रहा। इसी तरह से जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और आप सब मीडिया वालों का सपोर्ट मिलता रहे, एकता जैन का कहना है। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता लक्की दिवाकर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एकता जैन, एकता डांस अकेडमी की ऑनर और एकता सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था की अध्यक्ष। एकता डांस अकेडमी द्वारा ये बच्चा है परवेज खान, जो काफ़ी सालों से हमारी अकेडमी में थे और फिर हमारी एनजीओ से जुड़े। अभी ये बॉम्बे गए और क्योंकि ये यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और इनका बहुत अच्छा वहाँ पर फ्रेंड बने और उसके बाद इनको यूट्यूबर के लिए बॉम्बे बुलाया गया और बहुत अच्छा वहाँ से ये अचीवमेंट हासिल करके लेकर आए। बाकी इन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किया है वो अभी आपको ये खुद बताएंगे। तो बहुत हम ये चाहते हैं कि आगरा की जनता, उनको भी ये पता चले कि हमारे आगरा का बच्चा आज आगरा से बाहर जाकर और इतना अच्छा उन्होंने नाम किया है, जिससे और भी बच्चों को प्रेरणा मिले और आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सब लोगों तक खबर पहुंचे। हेलो आगरा, मेरा नाम परवेश खान है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। क्रिएटर यूनाइटेड ने मेरे को सिलेक्शन किया था और मुंबई में मेरे को ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ पर मेरे को 5 मिनट का कृति सेना के साथ में मीट एंड ग्रेट का मौका मिला। बॉलीवुड कृति सेना है, उनके साथ मैंने 3 मिनट का परफॉर्मेंस किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी आगरा की पब्लिक मेरे को सपोर्ट कर रही है और साथ के साथ में एकता मैम मेरे साथ में बहुत सपोर्ट करती है और मैं 8 साल की उम्र से इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, इनकी एनजीओ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और एकता सामाजिक के साथ में और एकता अकेडमी के साथ में मैंने बचपन से डांसिंग किया है और आज भी मैं इनके साथ में डांसिंग करता हूँ और मेरे साथ में एकता मैम का ही हाथ है और इन्हीं का मेरे ऊपर सर पे हाथ रखा हुआ है और आज मैं आगरा से और मुंबई तक पहुँच रहा हूँ वो इन्हीं की बदौलत पहुँच रहा हूँ और बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ मैं और यूट्यूब पर अपना शॉर्ट मूवी और एक क्रिएट करता हूँ, फनी कंटेंट क्रिएट करता हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है जो कि मुंबई में मेरे को एज अ गेस्ट के थ्रू मेरे को सम्मान किया था और बॉलीवुड प्रीति सेनन के साथ में मैंने डांस किया था तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ और मेरे आगरा की पब्लिक ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था और इस चीज़ के लिए मैं आगरा को थैंक यू बोलना चाहूँगा और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करें और ऐसे ही मेरे को प्यार दें और मैं इससे आगे आगरा के लिए कुछ अच्छा करूँ। मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ, आगरा में फिल्म उद्योग लगाने के लिए आज जो प्रेस वार्ता हो रही है, किस संदर्भ में? आज नाम क्या है? परवेश खान। आगरा के ये आगे बढ़ते हुए डांसर मिस्टर परवेज खान, जो आगरा से बहुत छोटी उम्र से अपना सफर शुरू करके आज मुंबई तक पहुंचे हैं और इनके इस सक्सेस के पीछे एकता मैम का बहुत जबरदस्त योगदान है। छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने में एकता जी ने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया है और ऐसे ही लोग जितनी तेजी से तरक्की करें, आगरा के सभी लोगों से मेरी गुजारिश कि इन्हें वक्त बे वक्त अपना सहयोग और प्यार लुटाते रहे। इसी शुभकामनाओं सहित मेरी हार्दिक बधाई। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नाम बताएं। चांद तारा।
जिस तरीके से आज आपके बच्चे ने जो मुकाम हासिल करा है, जिसको आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी हुई मुझे। तो कितने दिन से आपका बच्चा ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूं? तो काफी समय से कर रहा है, बहुत मुझे खुशी हुई है मेरा बच्चा इस उस पर पहुंच गया, और मैं यही दुआ चाह रही हूँ कि इससे ऊंची सिद्धि पे पहुंचे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।